धर्मशाला के पुलिस मैदान में कांगड़ा वैली ग्रीष्मोत्सव की तैयारियां आरंभ हो गई है। कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला में 2 जून से लेकर 9 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 2 जून से 5 जून तक सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएगी। देखिए, समर फेस्टिवल जो है वो 2 से 9 के बीच में यहाँ कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और इसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। और इसमें 2 से 5 के बीच में जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, 4 नाइट्स को ये कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो 224 स्टॉल्स हैं उनका आवंटन किया जा रहा है, और इसमें तहसीलदार धर्मशाला को नोडल ऑफिसर लगाया गया है। और इसमें जो हमारी कॉर्नर स्टॉल्स हैं उनका जो रेट निर्धारित किया गया है इन 8 दिनों के लिए वो 12,000 रुपये है, और जो नॉन कॉर्नर स्टॉल्स हैं उनका जो रेट निर्धारित किया गया है वो 10,000 है। तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने समर फेस्टिवल के अंदर अपनी स्टॉल पाना चाहता है तो वो तहसीलदार धर्मशाला के कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं और उनको वो स्टॉल जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। और इसी प्रकार बाकी जो तैयारियाँ हैं, चाहे वो अपना सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे वो अपना कल्चरल नाइट्स को लेके हो, इस बार एक नया प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कांगड़ा आइडल के नाम से। इसमें हमारे जितने भी यहाँ के लोकल कलाकार हैं उनका एक ऑडिशन 29 और 30 को कैरी आउट किया जा रहा है, और उसमें 15 जो हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 4 तारीख को परफॉर्म करने का जो एक मौका मिलेगा। और उसमें 15 जो लोग हैं उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइजेस भी जूरी द्वारा निकाले जाएंगे, और उनको एक जो एक मॉनेटरी प्राइज़ है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक अच्छा, ये मैं मानता हूँ कि एक अच्छा प्रयास जो है इस पर नया प्रयास ये ज़िला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और क्योंकि ये समर फेस्टिवल 10 साल के लगभग अवधि के बाद हो रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसका एक सक्सेसफुल आयोजन ज़िला कांगड़ा के अंदर किया जा सके। इसमें एक कल्चरल कमेटी ADC की अध्यक्षता में बनाई गई है, और जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा लिमिटेड जो पीरियड है 4 दिन हमने कल्चरल नाइट करनी है, और जो कांगड़ा आइडल है ये लोकल जो कलाकार हैं उन्हीं के लिए है। तो मैं मानता हूँ कि उनको एक अच्छा मंच मिलेगा अपनी जो प्रतिभा को दिखाने के लिए, और लोगों को भी यहाँ पे उसका लुत्फ उठाने का जो है वो अपना मौका मिलेगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत नीपी की रिपोर्ट।